गाइस स्वागत है आपका मेरे अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सभी आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास पैशन प्रो बाइक BS4। इसकी दोस्तों क्लिच है बहुत ज़्यादा लूज है। मैं आपको सिखाऊंगा आज कि क्लिच लूज है तो उसे टाइट कैसे करते हैं और हाफ पर कैसे करते हैं। क्लिच दोस्तों है वो हाफ पर होनी चाहिए, ना तो दोस्तों फुल पर होनी चाहिए और ना दोस्तों ज़्यादा लूज होनी चाहिए। तो इसकी क्लिच है बहुत ज़्यादा लूज है, ये देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा लूज है। इसके गियर हैं वो टाइट निकलते हैं और टाइट ही दोस्तों पड़ते हैं। तो दोस्तों ये कमी होती है क्लिच लूज होने की वजह से। अगर दोस्तों क्लिच ज़्यादा लूज हो जाएगी तब भी गियर टाइट निकलेंगे, टाइट पड़ेंगे, दोस्तों गियर अटकने की समस्या बन जाएगी अगर क्लिच ज़्यादा ढीली होगी तब। और दोस्तों टाइट होगी क्लिच ज़्यादा हार्ड होगी, ज़्यादा टाइट होगी तब भी दोस्तों गियर अटकने की समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम बताएँगे क्लिच है वो कैसे सेट करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, क्लिच की सारी सेटिंग बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा क्लच लूज है और हम दोस्तों इस क्लच को हाफ पर करेंगे तो बताएंगे किस तरीके से हाफ पर करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं लेफ्ट साइड पर दोस्तों, इसका साइड पैनल खोलते हैं फिर दिखाऊंगा किस तरीके से क्लच सेट होती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके साइड पैनल के पास में, तो हम खोलते हैं साइड पैनल। साइड पैनल खोलने के लिए दोस्तों एक इसमें ये पेंच लगा है, ये स्क्रू ड्राइवर लगा है और एक इसमें दोस्तों ये दोस्तों सीट के नीचे पेंच लगा है। तो सबसे पहले हम इस पेंच को खोल लेते हैं फिर दिखाऊँगा वो पेंच कैसे खोलना है। अब दोस्तों एक पेंच है वो सीट के नीचे लगा होता है, उसे भी दोस्तों खोल लें, थोड़ी सीट उठाकर खोल लें या फिर सीट निकाल के ही खोल लें। तो इसमें दोस्तों ऐसे ही खुल जाएगा। इसमें दोस्तों दो पेंच लगे होते हैं साइड पैनल में, एक दोस्तों यहाँ पर पेंच लगा होता है और एक सीट के नीचे लगा होता है। तो इस साइड पैनल को खोल लें, ये साइड पैनल बाहर आ गया और यह रहा दोस्तों क्लिच एडजस्टेबल बोल्ट। ये दोस्तों यहीं से दोस्तों क्लिच सेट होती है। क्लिच को लूज करना है या टाइट करना है तो दोस्तों इसी एडजस्टेबल बोल्ट से होती है, एडजस्टमेंट बोल्ट है ये, इन्हें दोस्तों क्लिच लूज होती है और टाइट होती है। तो दोस्तों इस बाइक की क्लिच है वो लूज है तो हम टाइट करेंगे। टाइट करने के दोस्तों क्या करेंगे, अगर आपको दोस्तों क्लिच टाइट करनी है तो इस बोल्ट को दोस्तों टाइट करनी है, ये जो बोल्ट देख रहे हैं आप लोग इसे टाइट करना है और क्लिच ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। और क्लिच को लूज करना है तो इस बोल्ट ये बोल्ट देख रहे हैं तो इसे लूज करना है। तो दोस्तों हम क्लिच को टाइट करेंगे तो इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे इन दोनों बोल्ट के लिए। तो दोस्तों ये बोल्ट हैं लूज हैं तो हम पहले इसे टाइट करेंगे। ये दोस्तों बोल्ट हैं वो ऊपर नीचे लगे होते हैं पर इस बाइक में दोनों बोल्ट एक साथ में एक ही जगह पे लगे हैं। तो हम इस बोल्ट को दोस्तों टाइट करेंगे तभी दोस्तों क्लिच है वो थोड़ी टाइट होगी। तो इस तरीके से टाइट करें और आप लोग ध्यान दें ज़्यादा टाइट ना करें ताकि क्लिच है वो फुल पर ना हो, हाफ पर हो। अब दोस्तों देखते हैं क्लिच है वो कितनी टाइट हुई है इसकी। तो दोस्तों क्लिच है वो हाफ पर हो चुकी है। अब दोस्तों एक अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, अगर क्लिच हाफ पर हो जाती है तो कैसे उसे चेक करें क्लिच है वो हाफ पर हो गई है। तो दोस्तों इसमें इतनी चाल होनी चाहिए। अब आपको एक अच्छा तरीका बताऊँगा, आप लोग बाइक की चाबी लें और चाबी से पता क्या करें दोस्तों, चाबी से इस जगह को यहाँ पर सेट करें। चाबी दोस्तों यहाँ पर इतनी आनी चाहिए, इतनी दोस्तों लीवर में चाल होनी चाहिए, समझो क्लिच है वो हाफ पर हो जाएगी। ये आप लोग चाबी देख रहे हैं, ये चाबी है ये इतने गैप में हो जानी चाहिए ये चाबी दोस्तों, ये जो गैप देख रहे हैं इस गैप में इस तरीके से सेट हो जाएगी तो समझो क्लिच है वो हाफ पर हो जाएगी। इस तरीके से इतनी चाल होनी चाहिए दोस्तों। यह है बहुत अच्छा तरीका है क्लिच हाफ करने का, आप लोग क्लिच हाफ करें और ये चाबी है वो इस जगह पर सेट कर लें इतने पे और क्लिच है वो हाफ हो जाएगी। और दोस्तों बाइक की क्लिच है हाफ पे ही होनी चाहिए ताकि क्लिच प्लेट को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों अगर आप फुल क्लिच कर लेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, क्लिच प्लेट बहुत जल्दी डाउन होने के चांस रहेंगे। आपके पास दोस्तों कोई सी भी बाइक हो, चाहे दोस्तों एच एफ डिलक्स हो या स्प्लेंडर हो या पैशन प्रो हो या सुपर स्प्लेंडर हो, कोई सी भी बाइक हो इसी तरीके से दोस्तों क्लिच है वो सेट कर सकते हैं। क्लिच एडजस्टमेंट दोस्तों इसी तरीके से होती है और इसके ये दो एडजस्टेबल बोल्ट होते हैं। अगर क्लिच को टाइट करनी है तो इस बोल्ट ये दो बोल्ट देख रहे हैं इन्हें टाइट करते जाएँ और क्लिच टाइट हो जाएगी। अगर क्लिच को लूज करना है तो ये दो बोल्ट लूज कर दें आप। अगर क्लिच को टाइट करनी है तो ये दो बोल्ट टाइट कर लें, अगर क्लिच को लूज करनी है तो ये दो बोल्ट दोस्तों लूज कर लें तभी दोस्तों क्लिच है वो सेट हो जाएगी। तो दोस्तों क्लिच है वो हाफ पर हो चुकी है, मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया। अगर क्लिच हाफ पर करनी है तो दोस्तों ये चाबी है वो इस जगह पर सेट कर लें और हाफ क्लिच आसानी से दोस्तों हो जाएगी। तो ये तरीका है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो दोस्तों ऐसे ही कर लेता हूँ। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ ये तरीका बहुत अच्छा है।
तो क्लच है वो दोस्तों इसी तरीके से सेट होती है। आप लोग कोशिश करें अपनी बाइक की क्लच है वो हाफ पे ही रखें। दोस्तों आप अपनी बाइक की क्लच है वो दोस्तों हाफ पर ही चलाएं ताकि दोस्तों क्लच पैडों को ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर ज़्यादा लूज करेंगे तो दोस्तों गियर अटकने की समस्या बन जाएगी। अगर दोस्तों क्लच टाइट रखेंगे तो क्लच पैड जल्दी डाउन होने की समस्या बन जाएगी, यानी कि क्लच पैडें हैं वो जल्दी डाउन होने लगेंगी। तो आप लोग दोस्तों कोशिश करें आप अपनी बाइक की क्लच है वो हाफ पर ही रखें।